हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हमारे 10 डेज क्विक रिवीजन कोर्स का डे 5 है और आज का टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ रीजनिंग। टाइप्स ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग 3 टाइप्स की होती है, नॉन वर्बल, वर्बल और लॉजिकल। नॉन वर्बल रीजनिंग वो होती है जिसमें कोई लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होती है। ये आपकी एबिलिटी इन्वॉल्व करती है अंडरस्टैंड करने की, इंटरप्रेट करने की और एनालाइज करने की विजुअल डेटा। मतलब जैसे आपको कोई नंबर सीरीज दिए, कोई लेटर सीरीज दिए या कोई कोड लैंग्वेज दिए, तो आपको उसको समझना होता है और उसको इंटरप्रेट करके आप जो भी आंसर्स है उसको आप निकालते हो। तो इसमें कोई भी लैंग्वेज, मतलब कोई सेंटेंस नहीं दिया होता, बस आपको कोई सीरीज दी होती है, आपको उसको सॉल्व करना होता है। फिर आता है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग मतलब इसमें लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है, मतलब जैसे एनालॉगी, मतलब कोई कंपैरिजन दिया हुआ है, जैसे इंक इज टू पेन दिया हुआ है और आगे दिया है कि पेन इज टू पेपर, तो फिर इंक इज टू पेपर आपको निकालना है, मतलब कंपैरिजन दिया हुआ है। और फिर होता है डायरेक्शन बेस्ड टेस्ट, जिसमें कोई डायरेक्शन दी होती है कि आप पहले नॉर्थ जा रहे हो, फिर वेस्ट में मुड़ गए, फिर साउथ में मुड़ गए, तो आपकी डायरेक्शन अभी क्या होगी लास्ट में, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। फिर ब्लड रिलेशंस होती है, जिसमें ब्लड रिलेशनशिप दी होती है कि एक्स अगर वाई का बेटा है, वाई का बेटा जेड है, तो एक्स और जेड में क्या रिलेशन है। ऐसी लॉजिकल रीजनिंग होती है। लॉजिकल रीजनिंग मतलब ये डिराइविंग इन्फ्रेंस फ्रॉम हाइपोथेसिस थ्रू रीजनिंग। आपको अपनी रीजनिंग एबिलिटी से इन्फ्रेंस ड्रॉ करना होता है। कोई आपको हाइपोथेसिस दिया, आपको कंक्लूजन दिया है, या आपको कंक्लूजन निकालना होता है, आपको बताना होता है कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा नहीं है। तो इसमें दो टाइप की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक कोई चीज आपको एग्जांपल के थ्रू आप कोई जनरलाइज्ड फैक्ट को प्रूव करते हो। और डिडक्टिव रीजनिंग मतलब कोई जनरलाइज्ड नोन फैक्ट है, उससे आप स्पेसिफिक एग्जांपल को प्रूव करते हो। फिर सीरीज। सीरीज हमारी दो टाइप की होती है, मेनली न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल। न्यूमेरिकल सीरीज मतलब आपको कोई पैटर्न दिया हुआ है, जैसे ये एक पैटर्न दिया हुआ है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, उसमें आपको बताना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है और उससे आप लास्ट टर्म फाइंड करोगे या कोई बीच में मिसिंग टर्म होता है आप उसको फाइंड करोगे। तो इसके पैटर्न बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कोई एडिशन की सीरीज होती जाती है जिसमें इंक्रीज हो रहा है नंबर, सब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, प्राइम नंबर की सीरीज होती है, स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर बहुत टाइप की मिसलेनियस सीरीज हो सकती है। और अल्फाबेटिकल सीरीज होती है। तो सबसे हम पहले हम न्यूमेरिकल सीरीज का एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख, मतलब जैसे ये वाला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 6, 9, 13 और आपको नेक्स्ट नंबर बताना है, तो इसमें आपको क्या पैटर्न दिख रहा है। जैसे आप 4 + 2 करोगे तो 6 आएगा, 6 + 3 करोगे तो 9 आएगा, 9 + 4 करोगे तो 13 आएगा, तो 13 + 5 2, 3, 4 था, तो आपका नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 5 होना चाहिए, मतलब 13 + 5 यहाँ ने कि आपका जो आंसर हो गया वो 17 हो गया। फिर आपकी नेक्स्ट सीरीज दी है, जैसे यहाँ 2, 9, 28, 65, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये भी एक इंक्रीजिंग सीरीज है, मतलब कुछ ऐड हो रहा है, तो ये एक एडिशन सीरीज है प्लस, लेकिन यहाँ सिंपल एडिशन नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐड भी करना है प्लस इसमें क्यूब का यूज हो रहा है। जैसे सबसे पहला आपको 1 का क्यूब है +1 तो 2 आएगा, मतलब 1 + 1। फिर 2 का आप क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8 होता है +1, मतलब 9 आएगा। फिर ऐसे ही 3 का क्यूब मतलब 27 + 1 28 आएगा, 4 का क्यूब मतलब 64 + 1 65 आएगा, तो आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होगा 125 प्लस हमें 1 करना है, तो आपका आंसर आएगा 126। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि पूरी सीरीज में आपका सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट नंबर छूट रहा है, जो कि हम बहुत बार गलती करते हैं। आपको देखना है कि पूरी सीरीज में आपका पैटर्न जो है वो वैलिड हो। फिर आती है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज सॉल्व करने के वैसे बहुत टाइप के शॉर्ट ट्रिक्स होती है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स आपके हमेशा काम नहीं आती, तो इसका बेस्ट मेथड है कि आप ABCD लिख लो एक जगह, आपको पेपर दिया जाता है NTNET के एग्जाम में, तो आप ABCD लिख लो, फिर आप देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें एक सीरीज दी है DMP FLN HKL JJJ और हमें नेक्स्ट नंबर को बताना है, नेक्स्ट मतलब अल्फाबेट्स हमारे क्या होंगे। तो सबसे पहले आप देखो D और F के बीच में क्या रिलेशन है,
तो यहाँ पे है आपका डी, यहाँ पे है आपका एफ, मतलब यहाँ पे बीच में हमारा मिसिंग लेटर ई है, तो हम एक लेटर को मिस करके जो नेक्स्ट लेटर है उसको लिख रहे हैं। फिर एफ के बाद भी एच है, तो देखो पैटर्न आपका सेम है, यहाँ पे भी जी मिस हो रहा है। फिर एच के बाद जे है, मतलब यहाँ पे हम आई को मिस करके जे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा, नेक्स्ट अल्फाबेट होगा, वो के को मिस करके हम एल लिखेंगे, तो यहाँ का जो पहला लेटर हो गया वो ए एल हो गया। फिर एम के बाद एल है, देखो आपका एम यहाँ है और एल एक नंबर आप डिक्रीज कर रहे हो, मतलब आप रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो और यहाँ बीच में आपका कोई भी नंबर आप मिस नहीं कर रहे, कोई अल्फाबेट मिस नहीं कर रहे। तो एम के बाद एफ था, एल था, फिर एल के बाद के है, तो ये रहा आपका एल और ये रहा के, मतलब हम बस पीछे जाते जा रहे हैं। फिर एल के बाद आपका जे है, यहाँ पे दिया है, तो जे के बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा, आई होगा, तो एल के बाद आपका जो नेक्स्ट आ गया वो आई आ गया। फिर यहाँ पे जो लास्ट हमारा लेटर दिया है वो है पी, पी के बाद एन आ रहा है, तो ये रहा आपका पी, ये रहा आपका एन, मतलब हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं और बीच में एक लेटर को मिस कर रहे हैं। फिर एन के बाद आपका एल आया, तो ये रहा एन, ये रहा एल, मतलब यहाँ पे हमने एल को, एम को मिस किया। और एल के बाद जे आया, जे आया मतलब हमने की के को मिस किया है, तो यहाँ पे हम आई को मिस करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट लेटर होगा वो होगा एच, तो इसका आंसर हो गया एल आई एच। फिर आता है कोडिंग, कोडिंग को भी अगर आपकी कोई अल्फाबेट की सीरीज में आपके कोड्स दिए हुए हैं तो उसके लिए भी बेस्ट है कि आप ए बी सी डी लिख लो कहीं साइड पे और फिर उसको सॉल्व करो। जैसे टी ए पी को हम एस जेड ओ की तरह कोड कर रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो ये है आपका टी, ये है आपका ए और ये है आपका पी, तो टी को हम कोड कर रहे हैं एस की तरह, मतलब टी को हम कोड कर रहे हैं एस की तरह, मतलब हम एक लेटर पीछे जा रहे हैं। फिर ए को हम कोड कर रहे हैं जेड की तरह, ये है ए, तो जेड के पहले भी तो ए आएगा ना, यहाँ से अगर आप फिर से शुरू कर दो तो जेड के, ए के पहले और कोई तो लेटर है नहीं तो जेड ही आएगा, तो ए को हम कोड कर रहे हैं जेड की तरह। फिर हम पी को कोड कर रहे हैं ओ की तरह, तो आपका पी ये है, आपका ओ ये है, तो हम पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, तो हम फ्रीज को भी वैसे ही कोड करेंगे। तो एफ है, एफ की जगह आप क्या लिखोगे, आप ई लिख सकते हो, आप एक लेटर पीछे जा रहे हो तो यहाँ पे हमने ई लिख दिया। आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा आपका आर, तो हम एक लेटर पीछे जा रहे हैं जैसे हमने अपने क्वेश्चन में पहले देखा है, तो आर की जगह हम क्यू लिखेंगे। फिर ई है, ई की जगह हम डी लिखेंगे एक लेटर पीछे। फिर नेक्स्ट भी ई दिया हुआ है तो उसकी जगह फिर से डी आएगा। फिर जेड की जगह क्या आएगा, वाई आएगा, क्योंकि जेड के पहले क्या है, वाई है, तो यहाँ पे वाई आएगा। फिर ई की जगह क्या आएगा, फिर डी आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया ई क्यू डी डी वाई डी। फिर 18th लेटर अगर आपको अपने राइट से फाइंड करना है, तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम योर लेफ्ट, मतलब यहाँ से आपको 1 2 3 करके आपको 26 तक जाना है, और अगर फ्रॉम योर राइट दिया है तो आपको यहाँ से जाना है, आपको जेड वाई और ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। तो इसके सॉल्व करने के नॉर्मल भी आपके बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि आप 27 - 18 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आप फिर लेफ्ट से जा सकते हो उसकी तरह। लेकिन अगर सिंपल मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है तो वो है, आप यहीं पे आप बस आपने लिख लिए अपने अल्फाबेट्स, फिर राइट से आप काउंट कर लो डायरेक्टली, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो आपका जो 18th लेटर फ्रॉम राइट है वो आपका आई होगा। अगर आपको लेफ्ट से दिया होता तो लेफ्ट से आई कौन से लेटर पे पता, नंबर पे पता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9th लेटर फ्रॉम योर राइट, 9th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट इज इक्वल टू 18th लेटर फ्रॉम योर राइट। आप कोई ट्रिक्स इससे यूज करके बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कभी आपका गलत ना हो और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो क्लियर हो, तो बेस्ट मेथड यही है। फिर आता है ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप भी बहुत इजी अगर आपको समझ में आती है, तो इसमें जैसे एक रिलेशन दिया है कि एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वाई सन मतलब एक आपका वाई है, उसका जो सन है, मतलब ये वाई का सन है, उसका जो सन है मतलब ये वाई का क्या हो गया, ग्रैंडसन हो गया।
इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप है। वाई का सन, वाई का बेटा और उसका बेटा, मतलब वाई का जो ग्रैंडसन है उसका रिलेशनशिप एक्स के साथ पूछा है। एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, मतलब एक्स और ये जो वाई के जो ग्रैंडसन है ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई है, ये दोनों ब्रदर्स हैं, ठीक, ये दोनों ब्रदर्स हैं। तो अब पूछा है कि हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, मतलब ये अगर एक्स है, एक्स और जो ये ग्रैंडसन था ये दोनों अगर भाई हैं, तो अगर ये ग्रैंडसन है वाई का तो जो एक्स है वो भी तो वाई का ग्रैंडसन होगा। तो इसका सिंपल आंसर हो गया कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर का है। फिर हम आते हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड मैथ्स से बहुत लोगों को डर लगता है, स्पेशली बायो स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर आप समझ लोगे तो इसमें बहुत आपके एंटी नेट में तो बहुत बेसिक लेवल के क्लास 8-9 तक के ही क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत सिंपल होते हैं। तो इसमें फ्रैक्शंस होते हैं जैसे कि प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि जिसमें न्यूमरेटर छोटा है आपके डिनोमिनेटर से, मतलब जैसे 2/4 है तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब जैसे 4/2 है तो इसमें आपका जो है न्यूमरेटर बड़ा है आपके डिनोमिनेटर से। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब जैसे 2/4, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन ये होता है, आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हो, जैसे 4 × 2 + 2, मतलब 4 × 2 = 8 + 2 = 10, 10/4 ये आपका इम्प्रॉपर में चेंज हो गया ये। फिर परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें हो सकता है आपको वैल्यू दी है और आपको परसेंट निकालना है, जैसे कि अगर आपके टोटल मार्क्स 1000 में से 900 आए, आपके गिवन मार्क्स है वो 900 है और टोटल मार्क्स दिया हुआ है कि 1000 है, तो गिवन वैल्यू बाय टोटल वैल्यू, गिवन वैल्यू 900, टोटल वैल्यू जो मार्क्स आपके मैक्सिमम थे वो है 1000 और आपको परसेंट निकालना है कि आपके कितने परसेंट है, तो आप इसको 100 से इंटू कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 90%, मतलब आपने 90% स्कोर किया है। फिर अगर आपका परसेंट दिया और आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, तो आप जो परसेंट दिया मतलब जैसे आपको 90% यहाँ दिया है और 100 से आप उसको डिवाइड करोगे, फिर आप इंटू करोगे टोटल वैल्यू से, मतलब टोटल वैल्यू जैसे यहाँ पर 900 है, सॉरी 1000 है, टोटल वैल्यू, टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आपके 1000 है, तो इसमें आपका जो परसेंट है वो वैल्यू में कन्वर्ट होगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 900, मतलब आपने 900 स्कोर किया है 1000 में से। फिर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको पहले कन्वर्ट करना आना चाहिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में। अगर आपका क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में दिया है लेकिन कुछ उसके जो पॉइंट्स हैं वो मीटर पर सेकेंड में दिए हैं या आपका आंसर मीटर पर सेकेंड में, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे अपने किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू को 5/18 से, इंटू करोगे 5/18 से। अगर मीटर पर सेकेंड में दिया और आपको किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर चाहिए तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से, मतलब आप रिवर्स करोगे उसको। फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, अगर आपको ये एक फॉर्मूला याद है तो आपको ये दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। अगर आपको एक चीज़ दो चीज़ दी हुई है तो आप तीसरी चीज़ आराम से निकाल लोगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम है, स्पीड का डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम और टाइम का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। फिर प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपकी एक कॉस्ट प्राइस होती है जिसको हम सीपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस होती है जिसको हम एसपी बोलते हैं। फिर हमें अगर प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम एसपी माइनस सीपी करेंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जो आपने किसी आइटम को परचेस करने में लगाई है, इन्वेस्ट किए, आपकी जो परचेसिंग प्राइस है वो आपकी कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस वो है जो आपने कुछ सामान खरीदा, आपने उसको कितने में बेचा, तो वो आपकी सेलिंग प्राइस है। आपको प्रॉफिट तब होगा जब आपका एसपी ग्रेटर होगा सीपी से, मतलब आपने किसी सामान को ज़्यादा में बेचा और वो आपको बहुत कम में पड़ा था तो आपका प्रॉफिट होगा, उसको आप निकालोगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से। अगर आपको लॉस निकालना है
तो लॉस आपका तब होता है जब आपका सीपी बड़ा होता है आपका एसपी से, मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है लेकिन आपने किसी सामान को कम में बेच दिया, आपको वो ज्यादा का पड़ा था, आपने परचेस 100 में किया, आपने उसको 80 में बेच दिया, तो आपका लॉस होगा। आपका कितना लॉस होगा? 100 माइनस 80, आपका 20 रुपीज का लॉस हो गया। फिर प्रॉफिट परसेंट, इसको निकालने के लिए आपका जो प्रॉफिट दिया है या आपने जो प्रॉफिट यहाँ पे निकाला उसको आप डिवाइड करोगे सीपी से और इंटू करोगे 100 से। अगर आपको लॉस निकालना है परसेंट में तो आप लॉस, जैसे आपका यहाँ पे 20 रुपीज था या आपका लॉस था, आपको पड़ा कितने में था? आपका कॉस्ट प्राइस था 100 × 100, मतलब आपको 20% का यहाँ पे लॉस हुआ था, तो आप ऐसे लॉस निकालते हो। फिर हमारे एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एवरेज मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे आपका कोई सम करना है, जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 दिया है, आपको बोला है इसका एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप ये सारे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं 2 + 4 + 6 + 8 करोगे और डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब टोटली कितना नंबर है, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 नंबर्स हैं तो आप उससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ 2 + 4 6, 6 + 6 12 एंड +8 मतलब 20, तो 20 / 4 मतलब आपका आंसर आ गया 5, तो आपका एवरेज था 5। तो आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू सो मच।